हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए खूबसूरत से बेबी शूज़ लेकर आई हूँ। ये शूज़ 3 महीने से लेके 6 महीने के बच्चे को इजीली आ जाएंगे और ये शूज़ बनाने बहुत ही आसान है और देखिए ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये बेबी शूज़ के लिए हमने बेबी वूल ली है, 3 पलाई की वूल है और इसको हम 10 नंबर की सलाई पे बनाएंगे। और ये हमने 45 फंदे लिए हैं, 45 स्टिचेस लिए हैं। फंदे डाल के देखिए, ये उल्टी साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए, राइट साइड। सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड से हमने पहले फंदे को उतार लेना है और सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। अब हम देखिए उल्टी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे और सीधी साइड से भी उल्टा बुनाई करेंगे। ये हम शू का बेस बनाएंगे। अब ये हमारे शू का बेस बनकर तैयार हो गया है। ये सीधी साइड से हमारी 1, 2, 3, 4 और 5 धारियां हैं और उल्टी साइड से भी यहाँ से गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम उल्टी साइड से देखिए दूसरे रंग का वूल अटैच करेंगे। और दूसरे रंग से हमने ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है और इस फंदे को हम, इस धागे को हम अंदर की तरफ करते जाएंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए, सीधी साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है। एक फंदा हम उल्टा बुनाई करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए हमने फंदे में से नहीं बुनाई करना, फंदे के नीचे से यहाँ से सलाई लेके ऐसे एक फंदा बनाएंगे। फिर एक फंदा हम उल्टा सिंपल बुनाई करेंगे। फिर हम देखिए ये फंदे के नीचे से यहाँ से सलाई लेके एक फंदा बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा हम फंदे के नीचे से बुनाई करेंगे। अब हम सारी सलाई को ऐसे ही बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा सीधा बुनाई करेंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए, उल्टी साइड से देखिए पहला फंदा हमने उतार लिया। ये फंदा हमने पहले उल्टा बुनाई किया था, यहाँ से देखिए ये उल्टा बुनाई किया था। अब ये फंदे को हम ये फंदे के नीचे से सीधा बुनाई करेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम फंदे के नीचे से ऐसे सीधा बुनाई करेंगे। फिर उल्टा,
फिर सीधा फंदा हम फंदे के नीचे से बुनाई अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से देखिए पहला फंदा उतार लिया, धागा आगे की तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा। ये देखिए ये हमें सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हम फंदे के नीचे से बुनाई करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, सीधा फंदा हम फंदे के नीचे से बुनाई करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब हम देखिए ऐसे ही इसको बुनाई करते जाएंगे, उल्टी साइड से भी जो सीधे फंदे हैं वो फंदों के नीचे से बुनाई करेंगे, उल्टा फंदा उल्टा बुनाई करेंगे। जैसे जैसे हमें फंदे दिखाई दे रहे हैं हम वैसे वैसे बुनाई करेंगे, सीधे फंदों को फंदों के नीचे से बुनाई करेंगे। अब मैं आपको इतना ये कंप्लीट करके बताती हूँ। अब ये हमारा शू का ये वाला पार्ट भी बनकर कंप्लीट हो गया। अगर हम ये फलियाँ गिने तो 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम उल्टी साइड से देखिए पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे, तो हम उल्टी साइड से पहले वाले रंग से सभी फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से देखिए ये हमारे टोटल 45 फंदे हैं, 45 स्टिचेस हैं। 18-18 फंदे हम दोनों साइड रखेंगे, बीच में हमारे 9 फंदे आएंगे, 18, 9 स्टिचेस। अब हम देखिए 18 फंदों को पहले बुनाई करेंगे, तो इसको हम बिना बुने वाला एक हो गया, धागा आगे करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये हमने 18 फंदों को बुनाई कर लिया, 18 स्टिचेस को। अब धागा पीछे करेंगे, ये बीच में हमारे 9 फंदे हैं, इनमें से पहले हम 8 फंदों को सीधा बुनाई करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए, ये हमारा 9वां फंदा है। यहाँ से हमने एक फंदा, यहाँ पर ये हमारे 18 फंदे हैं, तो यहाँ से हमने एक फंदा लेना है, ये 2 फंदों का हमने ऐसे एक बना देना है। अब हम यहीं से इसको उल्टी साइड टर्न कर लेंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया, इसको एक गिन लेंगे, 1, 2, 3, ये उल्टे फंदे बुनाई कर रहे हैं, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लिए, ये हमारा 9वां फंदा है। यहाँ से हमने एक फंदा इस साइड से लेना है और ये 2 फंदों का हमने एक बना देना है। फिर हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से ये देखिए पहले फंदे को हमने उतार लेना बिना बुने, इसको एक गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमारा 9वां फंदा हो गया। यहाँ से हम एक फंदे को लेंगे, ये 2 फंदों का हमने आगे से एक बना देना है। फिर यहीं से हम इसको उल्टी साइड की तरफ मोड़ लेंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, ये हमारा नौवां फंदा हो गया। यहाँ से एक फंदा लेके दो फंदों का हमने एक बना देना है। फिर हम यहीं से इसको सीधी साइड टर्न कर लेंगे। फिर से हमने इस फंदे को बिना बुने उतार लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा नौवां फंदा हो गया। यहाँ से एक फंदा लिया, दो फंदों का हमने एक बनाया। अब देखिए, हमने ये बीच में हमारे नौ फंदे हैं, आठ फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे, नौवां फंदा और यहाँ से एक फंदा लेके एक फंदे का एक दो फंदों का एक बनाएंगे। ऐसे ही उल्टी साइड से भी हमने ये आठ फंदों को बुनाई करके ये नौवां फंदा और यहाँ से हमने एक फंदा लेके दो फंदों का एक बनाना है। और ये हम ऐसे ही अब ये बनाते जाएंगे बीच का भाग। अब ये देखिए, हमने दोनों साइड से हमने फंदे घटाते गए हैं। इस साइड भी हमारे 12 फंदे रह गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, बीच में हमारे ये 9 फंदे हैं। इस साइड भी हमारे 12 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम देखिए, इस सिलाई को पहला फंदा ये हमने उतार लिया, ये फंदों को, बीच के फंदों को, नौ फंदों को हम सीधा बुनाई करेंगे। अब हम देखिए, कोई फंदा नहीं घटाएंगे, इसको ऐसे बुनाई करके ये हम फंदे 12 फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। ये देखिए, अब हम उल्टी साइड आ गए। अब हम ये दूसरे रंग से सारी सिलाई को उल्टा बुनाई करेंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। अब हम जाली बनाएंगे डोरी डालने के लिए। हमने पहला फंदा उतार लेना है, धागा आगे की तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को सलाई पे ऐसे देखिए घुमाएंगे, ये जाली हमारी यहाँ बन जाएगी। दो फंदों का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को सलाई पे घुमाया, दो फंदों का एक फंदा उल्टा बनाया, धागे को सलाई पे घुमाया, दो फंदों का एक फंदा उल्टा बनाया, धागे को सलाई पे घुमाया, दो फंदों का एक बनाया। ऐसे ही अब हम ये सभी फंदों को बुनाई करेंगे। आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई कर देंगे। अब हम उल्टी साइड आ गए। अब हम पहले वाले रंग से बुनाई करेंगे। ये पहले वाले रंग से सभी फंदों को उल्टा बुनाई कर देंगे। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से भी हमने ये सभी फंदों को उल्टा बुनाई करना है। अब देखिए, हमने ये दो धारियां उल्टी उल्टी
एक रंग से बनानी है और दो धारियां हमने ये दूसरे रंग से बनानी है। ये हम शू का ऊपर वाला भाग बना रहे हैं। अब हमने ऐसे ही इसको बनाते जाना है। ये हमने ऊपर का भाग भी बना लिया है और अगर धारियां गिने तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 धारियां हमने ये दोनों रंगों से बना ली हैं। अब उल्टी साइड से हम शू को बंद करेंगे। तो हमने देखिए ऐसे ये 2 फंदों का हमने उल्टा एक बनाया। अब इस फंदे को सिलाई पे लिया, 2 फंदों का एक बनाया, फिर हमने इस फंदे को सिलाई पे लिया, 2 फंदों का एक बनाया। ऐसे ही अब हम सभी फंदों को बंद करेंगे। फंदों को हमने टाइट नहीं बंद करना। अब हम यहां से धागे को काट देंगे और इसको पक्का कर देंगे। अब ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया। अब इसकी सिलाई करेंगे। तो हम इसको देखिए ऐसे सीधी साइड से सिलाई करेंगे। तो सीधी साइड से हम कैसे सिलाई करेंगे, हमने यही वाला धागा सुई में डाल लिया। हम देखिए पहले यहाँ से एक बार इसको पक्का कर लेंगे। अब देखिए आप ध्यान से हमने एक यहाँ से देखिए ऐसे फंदे को उठाया, फिर यहाँ से हमने एक ये देखिए धारी में से अब हम ये नीचे वाला भाग सिलाई करेंगे। ये एक्स्ट्रा धागा हम अंदर की तरफ कर देंगे। और यहां पर हम डोरी डाल देंगे। ऐसे ये खूबसूरत से शूज आप अपने बेबी के लिए बनाएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।